गोविंदपुर प्रखंड के भवनपुर माध्यमिक विद्यालय जाने का रास्ता नहीं रहने से विद्यालय जाने के लिए पगडंडी के रास्ते पानी से होकर विद्यालय जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को जाने में परेशानी होती है। साथ ही साथ शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवनपुर गांव में सड़क से 100 मीटर विद्यालय तक रास्ता नहीं रहने से पानी में चलकर जाना पड़ता है शिक्षकों और विद्यार्थियों को। तो वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक दीपक कुमार ने बताया कि विद्यालय के रास्ते को लेकर विभाग को कई बार लिखित आवेदन देकर विद्यालय के रास्ता बनवाने की मांग की गई है। यहाँ तक कि पंचायत प्रतिनिधि से लेकर प्रखंड और जिला पदाधिकारी तक रास्ता बनवाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक विद्यालय जाने के लिए रास्ता बनवाने का किसी तरह का पहल नहीं किया गया है, जिसके कारण हल्की फुल्की बारिश हो जाने पर भी विद्यालय जाने में छात्रों को काफी परेशानी होती है। पानी और कीचड़ से होकर विद्यालय जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में रास्ता है ही नहीं है सर, पूरा पानी भरा हुआ रहता है, जिसके चलते मैंने बहुत कठिनाई, चाहे छात्रों को, चाहे शिक्षक हो, चाहे और भी अन्य ग्रामीण हो, सबको बहुत दिक्कत होती है। और रोड का अभाव है, जिसके चलते हमारे यहाँ बच्चा भी पानी के चलते विद्यालय नहीं आ पाते हैं। हाँ, पानी में हेल करके आना पड़ता है और डर भी लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं इधर उधर डूबने का भी खतरा रहता है। क्या रास्ते को लेकर के विभागीय तौर पर सूचना दी? हाँ सर, हमारे उच्च पदाधिकारी भी यहाँ सूचना दिए हैं और उनको भी जानकारी है कि रास्ता मैंने है नहीं विद्यालय पहुँच तक। अभी तक इसके लेकर के क्या पहल? सर पहल तो सर हमारे यहाँ प्रमुख जी भी काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं कि रास्ता नहीं है, उनको भी बोला गया, पंचायत समिति को भी बोला गया। हमारे यहाँ मुखिया महोदय हैं, खास करके इसी गांव के हैं, उनके नज़र में ये चीज़ है, उनके द्वारा भी कोई पहल नहीं की गई। यानी अभी तक कोई पहल? कोई पहल नहीं। सर आप नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ सर। पद क्या जी? प्रभारी प्रधानाध्यापक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।